मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने हंगामा करने पर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सदन में सार्थक बहस करनी चाहिए, किसानों की जो हालत है उस पर सरकार गंभीर है, ऐसी स्थिति कांग्रेस की सरकार में भी बनी है। एशियन भारत के संवाददाता अबिद मुमताज से मंत्री मोहन यादव ने खास बातचीत की। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मोहन यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा का पहले दिन का जो कार्रवाई थी वो स्थगित कर दी गई है, लेकिन विपक्ष जो है लगातार हमले यहां पर करती हुई आ रही है, लहसुन लेकर जो है यहां पर सर विपक्ष जो है लगातार ये ऐसा है कि मैं ये मान के चलता हूँ कि चूंकि मेरा भी किसानी का कामकाज है, खेती बाड़ी हमारी है, 3-4 साल के बाद फसल चक्र में एक बार ऐसा मौका आता है जब फसल हमारी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, और इसी बात से निपटने के लिए फसल बीमा और अन्य अन्य प्रकार के उपाय जिससे सरकार इन सारी बातों में अपना रोल अदा करती है। उम्मीद करता हूँ कि कृषि मंत्री के माध्यम से इस व्यवस्था से भी माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर है और इससे निपटने में सक्षम रहेंगे। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहे कि सरकार चर्चा करना नहीं चाहती। देखिए, विपक्ष का काम आरोप लगाना है, हमारा काम जवाब देना है, लेकिन हम इसके बजाय जो मूल पक्ष है किसान है उसके साथ है, उसकी कठिनाइयों में मदद करेंगे। तो ये थे मोहन यादव, जिनका कहना है कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन जो समस्या अभी किसानों के साथ आके खड़ी हुई है ये परिस्थितियों से निपटना सरकार का काम है, विपक्ष को भी इसका साथ देना चाहिए। कैमरामैन अमित के साथ आबिद मुमताज, एशियन भारत, भोपाल।